अपहरण का फर्स्ट सीजन काफी ज्यादा हिट रहा था। ऑब्वियसली इसके मेकर्स को लगा कि यार अब सेकंड सीजन बनाना चाहिए। इवन सेकंड सीजन छोड़ो, इसके थर्ड सीजन की तैयारी चल रही है। अब तक तो पता चल गया होगा कि इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, अपहरण के सेकंड सीजन के बारे में, जिसमें 11 एपिसोड है और हर एपिसोड तकरीबन आधे घंटे के आसपास है। टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेना कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको कितना ज्यादा टाइम चाहिए। तो स्टोरी पे फोकस कर लेते हैं। जैसे रुद्र श्रीवास्तव जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसकी लाइफ की लगी पड़ी है। फर्स्ट सीजन के अंदर भी लगी पड़ी थी, इस सेकंड सीजन के अंदर भी लगी पड़ी है। और इस बार मेकर्स ने थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, मतलब बजट इनका हाई है। सोचा कि भारत में नहीं, भारत से बाहर जाकर इस सीरीज को बनाते हैं। तो रुद्र श्रीवास्तव को एक मिशन के लिए बाहर देश भेजा जाता है। अब वो इतनी आसानी से बाहर देश जाने वाला तो है नहीं, क्योंकि अड़ियल बंदा है। लेकिन उसके पीछे जो पैंतरे अपनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई लगते हैं। एकदम से ऐसे ही नहीं चुटकी बजाते कि हाँ भैया रुद्र श्रीवास्तव तुम्हें चुना गया है बाहर देश जाने के लिए, तुम ही वो कैपेबल इंस्पेक्टर हो जो बाहर जाकर एक गुंडे को पकड़ के ला सकते हो। एक्चुअल में इसके पीछे एक रीजन होता है कि क्यों रुद्र श्रीवास्तव को चुना जाता है। और वो रीजन जब आपको जानना है तो भैया सीरीज देखनी पड़ेगी ना, मैं थोड़ा ना बताऊंगा। और जो रुद्र श्रीवास्तव को बाहर भेजने की जो प्रक्रिया है, जैसे उसको बाहर भेजने के लिए जो कोशिश की जाती है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भैया मेहनत की जा रही है, ये इतनी आसानी से मानने वाला इंसान नहीं है, कुछ पैंतरे अपनाने पड़ते हैं। जो इसकी वाइफ को लेकर किया जाता है कि ड्रग एडिक्ट है, तो भैया इसको कैदी कर लो या फिर जो भी मर्जी कर लो, इसके ऊपर दबाव बनाओ, फिर ये अपने आप ये सांड जो है वो काबू आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये सब किया जाता है। अब बात करूं कि फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में सेकंड सीजन जो है वो कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा बुरा है, या उसके बराबर आता है, तो मैं ये सच कहूंगा कि मतलब अच्छा तो दूर की बात, छोड़ो यार इक्वल भी नहीं है सेकंड सीजन फर्स्ट सीजन के। तो इतना ज्यादा मुझे लो इसकी एवरेज कहानी लगी है। इसके अंदर जैसी अब करेक्टर दिखाए गए हैं उसमें इतना मजा नहीं आता है एज कंपेयर टू फर्स्ट सीजन में। देखो फर्स्ट सीजन के अंदर जैसे जैसे चीजें आती हैं, हमें नई नई चीजें लगती हैं, यूनिकनेस हमें देखने को मिलता है। रुद्र श्रीवास्तव का जो करेक्टर है वो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो उसके मुंह से जो डायलॉग बोले जाते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें नई नई चीजें हैं। लेकिन सेकंड सीजन में आप वही चीजें वापस लेकर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली ऑडियंस जो है उस चीज को कैच नहीं कर पाती कि आप दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो, कुछ नयापन तो उसके अंदर होता है नहीं। तो इसलिए कमी मुझे लगती है सेकंड सीजन के अंदर। और ज्यादातर इसके अंदर गालियां ही गालियां दी गई हैं। लेकिन अब देखो यार, कोई डायलॉग जो है वो केवल सिर्फ और सिर्फ गालियों के भरोसे तो नहीं चलाया जा सकता ना। वहां पर जहां जरूरत भी नहीं है वहां पे इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करना इस सीरीज को और ज्यादा डाउन करता है, ये मुझे लगा। और सच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार ये वाली जो कॉन्सेप्ट आपने अपना रहे हो गाली वाला, ये नहीं करना चाहिए था। और जो इसके जो 30 मिनट का जो एपिसोड है, मैं कहूंगा ये बड़ा ही सोच समझ के इन्होंने रखा है, क्योंकि हम कहीं कहीं पर बोर होने लगते हैं और जहां पर बोर होने की बात हो जाती है ये सीरीज यानी इसका जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो बड़े ही सोच समझ के इन्होंने 30 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा है और जो मुझे पसंद आया है। तो कहानी में कुछ अच्छी चीजें हैं, टर्न एंड ट्विस्ट हैं जो हमने नहीं सोचे हुए होते हैं, तो इस मामले में तो ठीक लगती है मुझे थोड़ी बहुत। कुछ कुछ जगह हंसी आ जाती है, लेकिन बस इन सब चीजों को हटा दें, मूवी इस सीरीज के अंदर कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। एक जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो टर्न एंड ट्विस्ट का दिखाया जाता है उसके अलावा इसमें हमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। हाँ, सीरीज के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है, बजट हाई रखा गया है। जितने भी इसके अंदर परफॉर्म करने वाले जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भी है और वहां पर उनकी मेहनत नजर भी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अटैचमेंट नहीं हो पा रही है, मुझे इतना ज्यादा ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन उम्मीदें कर रहा था कि काश इसका सेकंड सीजन बहुत ज्यादा अच्छा जाए, क्योंकि फर्स्ट सीजन के ऊपर काफी ज्यादा मीम बने थे। लेकिन सेकंड सीजन पे इतने ज्यादा मीम मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ नया दिखाया गया है कि वो मीम बनने के लायक हो और वो वायरल हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सीजन के मैंने बहुत ज्यादा ऐसे मीम देखे जो बहुत वायरल हुए और आज भी वो चल रहे हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि सेकंड सीजन के अंदर 11 एपिसोड, और 11 एपिसोड किसी कहानी को खत्म करने के लिए बहुत सही होते हैं, क्योंकि इस जो अपहरण 2 है इसके अंदर जिस तरीके की कहानी दिखाई जाती है इनफ होते हैं वो 11 एपिसोड। लेकिन इसमें मेकर्स को मुझे लगता है कि यार पैसे कमाने की होगी, चलो पैसा पूसा छापा जाए और लोगों को मतलब एक और सीजन पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि सेकंड सीजन जब खत्म होता है ना पता चल जाता है कि भैया ये थर्ड सीजन की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन मुझे कहीं पर भी वो सेटिस्फाई चीजें नहीं लगती कि आप थर्ड सीजन लेकर आओ, कोई इतना ज्यादा हम उसके साथ अटैच तो हुए नहीं है कि हम थर्ड सीजन के लिए मरे जा रहे हैं। सेकंड सीजन फिर भी मैं कहूंगा कि यार ठीक है,
इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना फर्स्ट सीजन था। फर्स्ट सीजन तो यार सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, मुझे निराश ही किया है क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन थी इसके सेकंड सीजन से, और पता नहीं यार जब जो चीज अच्छी होती है उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए ना यार। फर्स्ट सीजन अच्छा था, बावजूद उसके आप धक्के से एक नई कहानी लेकर आ रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, उसके अंदर कुछ नयापन नहीं कर रहे हो, वही गाले के ऊपर आप चीजें चला रहे हो, तो ऑब्वियसली चीजें जो है वो डिसअपॉइंट करेंगे ही। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो थर्ड सीजन है वो यार कितना चल पाएगा अभी तक, तो अभी तो मैं इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला, मे बी शायद चल भी जाए। सेकंड सीजन ओवरऑल बात करूं तो यार नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं आया। मेरी तरफ से इसे मैं देना चाहूंगा 4 out of 10। आप लोगों को एक सीजन कैसा लगा है सेकंड सीजन तो आप बता सकते हैं, फर्स्ट सीजन तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो फर्स्ट सीजन रिकमेंडेड जरूर करूंगा, लेकिन सेकंड सीजन मैं नहीं कह सकता कि आप जाकर देखिए ही, मतलब 11 एपिसोड हैं, 30-30 मिनट के आसपास, लगभग 4.5 घंटे के आसपास की जो सीरीज है वो टाइम खराब ही लगती है मुझे। तो अपना अपने जो विचार हैं सुविचार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जिन्होंने नहीं देखे तो फर्स्ट सीजन ही देखना, सेकंड सीजन स्किप कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।